गई और 3 महीना बिहाई भवा की एक लड़का के महतारी हो गए तो उसके आदमी के चेहरा झुराए ला हफ्ता खाण मैया मुरझाएगा। तो एक दिन के मेहरुआ बड़े इसके इस कसके रे सबके घरे लड़का पैदा होते चेहरा चटक लागत है और हमरे यहाँ जौने दिन से लड़का भो है तो चेहरा उतरते जाते का बात है रे। तो मरदवा कहे तुका का यहाँ गाँव में यहाँ निकला बाफत है तुमका तो चेहरा कहा झुराते कैस का है कहीं जहारे जाए थे वहारे कुर्ता पकड़ पकड़ खींचत हैं कसके रे 3 महीना तो रे ब्याह भो लड़का कैसे हुई रे। तो रतिया कहीं समझाए नहीं पाओ थो कहीं का समझा दी जब 9 महीना हो चाहे 3 महीना भी यहाँ धरा है तो हम का समझा दी। तो रतिया कहीं तुम हो गधा ये बताओ कि तुम्हारे ब्याह कत्ते दिन भवा कहीं 3 महीना और का कहीं सो हमरे ब्याह कहीं तुम्हारे ब्याह 3 महीना भवा और कहीं लड़कवा कत्ते दिन पर भवा कहीं वाहो 3 महीना भवा। बौरतिया जोड़ा इस पहाड़ा कहीं सारे सब जोड़ कई महीना हुई गिरे 3 महीना हमरे ब्याह होएगा 3 महीना तुरे ब्याह होएगा और 3 महीने लड़का भवा सब 9 महीना नहीं हुई गिरे। तब क्या समझ में आवा क्या हाँ यार ये तो 9 महीना पैदा भवा है पूरे गांव वाले इन पर खफा कहीं ना कोनो सार बोल दे तो कोई खैरियत नहीं। सुबह फिर गांव में निकला जब गांव में निकला तो कोनो पड़ोसी फिर कुर्ता खींची कही यार यार कसके रे 3 महीना तो रे ब्याह भो तो कह लड़का कैसे हुई करे बल लड़ी गा उसे कही कहाँ 3 महीना भवा है 9 महीनों तो भवा है हो 3 महीना हमरे ब्याह होएगा 3 महीना मेहरुआ ब्याह होएगा 3 महीने लड़का भवा सब 9 महीना नहीं होएगी। पूरा गांव वाला गया वो अकेले वही बक्के जो मेहरुआ रटाई दे यही हाल वहाबियों का है 40 दिन चिल्लम ले जा कर ऐसा रटाई देते हैं कि नबी के लिए गैब मानना शिर्क। अगर नबी को गैब का इल्म होता तो जिब्रील से पूछते क्यों पूछ लेना ये न जानने की दलील नहीं है। जानते हुए भी बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं। बोलो बहरहाल खुश नसीब हैं आप जिन्होंने अहले बैत का जलसा कराया वो नौजवान बड़े लायक़े तारीफ़ हैं जिन्होंने मेहनत व मशक्क़त किया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह अनु से एक दिन हुजूर ने पूछा था हुसैन एक बात बताओ कहाँ ना ना। हुजूर ने फरमाया हुसैन ये बताओ कि मैं तुमसे मर्तबे में बड़ा हूँ कि तुम हमसे मर्तबे में बड़े हो। तो हुसैन कहते हैं आपसे मर्तबे में मैं बड़ा हूँ। हुसैन ने कहा मर्तबे में मैं आपसे बड़ा हूँ। हुजूर ने पूछा कैसे तो हुसैन ने उसकी कई वजहें बताई। पहली वजह तो ये बताई कि मेरे अब्बा को इस्लाम में लकब शेर खुदा का मिला है। मेरे अब्बा शेर खुदा हैं और आपके अब्बा को इस्लाम में कोई लकब नहीं मिला। आपके अब्बा शेर खुदा नहीं मेरे अब्बा शेर खुदा हैं। और का दूसरी वजह यह है कि मेरी माँ फातिमा जहरा ये जन्नती औरतों की सरदारा हैं खातून जन्नत हैं और आपकी माँ खातून जन्नत नहीं है। मेरी माँ फातिमा कयामत के दिन गुजरेंगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा या अहलल जमे ऐ मैदान महशर के लोगों सकिनो नक्किसु रूसकुम ऐ महशर वालो अपने सरों को छुप नीचे कर लो तमर्रो बिन तो फातिमते मुहम्मदिन तमर्रो बिन तो मुहम्मदिन अलस्सिरात मोहम्मद की बेटी फातिमा पुल सिरात के ऊपर से गुजरने वाली है ऐ मैदाने मैसर के लोग अपने सरों को झुका लो। मेरी माँ को इस्लाम ने यह लकब दिया और आपके माँ का इस्लाम में कोई लकब नहीं है। कहा और
का तीसरी वजह यह है कि मेरे नाना इमामुल अंबिया हैं और आपके नाना कोई नबी कोई इमामुल अंबिया नहीं है। नाना कौन थे? सरकार ही थे। और दूसरी एक वजह यह भी है कि मेरी माँ नबी की बेटी हैं और आपकी माँ नबी की बेटी नहीं, और मेरी नानी खदीजतुल कुबरा हैं जो सारी मोमिनों की माँ हैं। बताते जा रहे हैं, मैं इस एतबार से आपसे बड़ा, इस एतबार से बड़ा। उसके बाद हुसैन कहते हैं अल्लाह के रसूल ये जो भी मर्तबा मिला सब आपके वसीले से मिला है, आप ना आए होते तो मेरे अब्बा को शेर खुदा का लकब नहीं मिलता, आप ना आए होते तो मेरी माँ फातिमा जहरा को यह मकाम ना मिला होता। या रसूल अल्लाह जो भी मिला सब आपके वसीले से मिला है, इसलिए आप ही हमसे बड़े हैं, मैं आपसे छोटा हूँ। गोया कि हुसैन का भी अकीदा था कि जो कुछ मिला है सब नबी के वसीले से मिला है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी यही फरमाते हैं कि होते कहाँ खलेलो बिना काबा ओ मीना, कहाँ काबा होता, कहाँ खलील पैगंबर होते, कहाँ तामीर होती काबा की, कहाँ मीना का मैदान होता, ये सारी चीज़ें नहीं होती अगर मुस्तफ़ा ना आए होते। होते कहाँ खलीलो बिना काबा ओ मीना, होते कहाँ खलीलो बिना काबा ओ मीना, लौला कुआले साहेबी सब तेरे घर की है। पता चला आला हजरत ने भी वही अकीदा दिया जो इमाम हुसैन का अकीदा था कि या रसूल अल्लाह ये जो भी मर्तबा मिला सब आपके वसीले से मिला है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको अहले बैत का दामन अता फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त था। हदीस दो तरह की हैं, एक नंबर पर फरमाया इन्नी तरक तो फी कुम्मा, ऐ मेरे सहाबा मैं तुम्हारे बीच से जाने वाला हूँ, तुम्हारे बीच में दो चीज छोड़ के जा रहा हूँ। इमतन इन तम सस्कहुमा, ऐ मेरे सहाबा अगर तुम लोगों ने उन दोनों को मजबूती से पकड़ा लंत दिल लो, हरगिज कभी गुमराह नहीं होगे। दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुमने उन दो चीज़ों को पकड़ा तो कभी गुमराह नहीं होगे। वो दो चीज़ें कौन सरकार छोड़ के गए? नंबर एक पर फरमाया अहदोहुमा किताबुल्लाह, नंबर एक पर अल्लाह की किताब यानी कुरान है। कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, अगर इसको तुम लोगों ने मजबूती से पकड़ा तो कभी गुमराह नहीं होगे। और दूसरे नंबर पर फरमाया था वसानियुहुमा इतरते, और दूसरे नंबर पर मैं अपने अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। अहले बैत, अहले बैत का मकाम कितना ऊंचा है। चार इमाम हैं दुनिया में, बड़े इमाम चार माने गए, इमाम आदम, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल। चार इमाम हैं और चारों हक पर हैं। जो किसी को गलत माने वो खुद इस्लाम से खारिज हो जाएगा। चारों हक पर हैं, उन्हीं में से एक इमाम है इमाम अहमद बिन हम्बल। वो कहते हैं हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं दुनिया की तीन चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर एक पर कहते हैं
مجاورة روضة رسول اللہ. نمبر ایک پر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے روضے کا میں مجاور ہو جاؤں. مجاور جانتے ہو؟ جو درگاہوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں. بولو, چراغ جلانا, چادر ڈالنا, قبر پہ صفائی ستھرائی کرنا, یا مجاوروں ہی کا تو کام ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ دنیا کی پہلی چیز مجھے پسند ہے مجاورۃ روضۃ رسول اللہ, رسول اللہ کے روضے کا میں مجاور ہو جاؤں. اور دوسرے نمبر پر وتعظیم اہل عترته, اور رسول اللہ کے گھر والوں کی تعظیم مجھے دنیا کی دوسرے نمبر پر پسند ہے. کہ نبی نہیں, نبی کے گھر والوں کی تعظیم میں کروں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں دنیا کی دوسری چیز ہے جو مجھے پسند ہے. اور آج کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو نبی کی تعظیم نہیں کرتے. بولو, اہل عترت, عترت کے معنی آتا ہے رسول اللہ کے خاندان. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں رسول اللہ کے خاندان کی عزت میں کروں, تعظیم کروں, یہ مجھے دنیا کی دوسری چیز پسند. اسی لیے صحابہ بھی تعظیم کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم, بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ شیطان ان کا نام سن کے بھاگا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایک شرابی شراب کی بوتل لیا رہا تھا, ادھر سے امام حضرت عمر فاروق اعظم جا رہے تھے. شرابی نے دیکھا تو دیکھا کہ اب نظر پڑ گئی, اب تو قتل کر دیں گے. بہت سخت آدمی تھے حضرت عمر. فوراً وہ شرابی شراب کی بوتل کو اپنے اندر چھپا لیا اسے, اور دل ہی دل میں اللہ سے کہنے لگا, یا اللہ عمر کی تلوار سے جان بچا لے, خدا اب کبھی شراب نہیں پیوں گا. اے خدا عمر کی تلوار سے جان بچا لے, دل ہی دل میں کہہ رہا تھا. تھوڑے تھوڑے بڑھ رہا تھا, حضرت عمر قریب آئے, کہا بغل میں کیا ہے؟ تو کہا دودھ کی بوتل. جھوٹ بولا, ڈر کی وجہ سے دودھ کی بوتل ہے, توبہ کر ہی چکا تھا. حضرت عمر نے کہا نکال. جب نکالا تو حقیقت میں وہ شراب دودھ سے بدل گیا, دودھ کی بوتل. دیکھا تو عمر کے قدموں میں گرا, کہا امیر المومنین خدا بڑا رحیم و کریم ہے. کہا کیوں؟ کہا میں شراب کی بوتل لیے جا رہا تھا, شرابیوں شراب پینے کے لیے لیا جا رہا تھا, آپ کو دیکھا تو میں ڈر گیا اور بوتل کو چھپا لیا. دل میں میں نے خدا سے توبہ کیا تھا, یا اللہ عمر کی تلوار سے جان بچا لے, اب شراب نہیں پیوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے میری جان کس طرح بچائی کہ شراب کی بوتل کو خدا نے دودھ سے بدل دیا. اے امیر المومنین خدا بڑا رحیم و کریم ہے. وہ شرابی عمر کے سامنے, حضرت عمر کے سامنے توبہ کیا اور اسی دن سے شراب سے اپنے آپ کو بچا لیا. اتنے بڑے درجے والے عمر امیر المومنین تھے. ان کا لڑکا عبداللہ مدینے کے مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے. عبداللہ نہیں گئے تو حضرت عمر نے بلایا, کہا بیٹا پڑھنے نہیں گئے آج؟ کہا ابا جب تک آپ نیا, کہا ابا نہیں جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا آج مدرسے میں میرے ساتھیوں کے سامنے حسین نے مجھے غلام کہہ دیا. کہیں غلام عبداللہ ادھر آ. اور عرب میں کسی کو غلام کہہ دینا گویا کہ اس کو بے عزت کر دینا تھا. آج میرے ساتھیوں کے سامنے مجھے حسین نے غلام کہہ دیا, مجھے رسوا کر دیا غلام کہہ کے. تو حضرت عمر نے جب سنا تو کہا بیٹا حسین کے سامنے بھی یہ بات کہہ سکتے ہو؟ کہا بالکل کہوں گا. کہا چلو. لے کے گئے امام حسین کے پاس. حضرت عمر فاروق اعظم اتنے بڑے صحابی کہ قیصر و کسرا کے بادشاہ بھی نام سن کر کانپ جاتے تھے. ایسے جلیل القدر صحابی اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے گئے
हुसैन के पास, कहा हुसैन आपने बेटे मेरे बेटे अब्दुल्ला को ग़ुलाम कहा है? कहा था और फिर कह रहा हूँ कि अब्दुल्ला मेरा ग़ुलाम है, तुम मेरे नाना के ग़ुलाम हो। तो हज़रत उमर फ़ारूक आदम फरमाते हुसैन इसको कागज़ पे लिख के दे सकते हो कि अब्दुल्ला मेरा ग़ुलाम है और उमर मेरे नाना के ग़ुलाम है, लिख के दे सकते हो? कहा बिल्कुल लिख दूँगा। हज़रत इमाम हुसैन ने कागज़ लिया और उस पर लिखा कि उमर मेरे नाना के ग़ुलाम हैं, उमर के बेटे अब्दुल्ला मेरे ग़ुलाम हैं, फ़कत व सलाम हुसैन इब्ने अली। जब कागज़ हज़रत उमर ने पाया तो रोए और आसमान की तरफ करके दुआ मांगी, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हुसैन की ग़ुलामी में आने के लिए सब का दावा है, लेकिन या अल्लाह उमर कितना खुश नसीब है कि क़यामत के दिन हुसैन की ग़ुलामी का दावा भी करेगा और सनद भी दिखाएगा। किसी के पास सनद नहीं है, लेकिन उमर कितना खुश नसीब निकला कि उस उमर के पास हुसैन की ग़ुलामी की सनद भी हो गई। ये सहाबा रसूलुल्लाह के घर वालों की तासीम करते थे, लेकिन आज कुछ बदनसीब हैं जो नबी की तासीम नहीं करते। एक गांव है राजापुर मंडी कस्बा, सुने हो आप लोगों? कतनिया घाट के आगे एक कस्बा पड़ता है नेपाल में, राजापुर मंडी। वहाँ बहुत बड़ा कस्बा है, तो दो मदरसे हैं, इसे बीच में रोड है, इधर सुन्नी का मदरसा, इधर देवबंदी का मदरसा। दोनों बच्चों की कुछ दोस्ती थी। एक दिन देवबंदी का एक बच्चा सुन्नी मदरसा में टहलने गया तो सुन्नी बच्चे बैठ गए उसके पास, फिर कहा यार तुम लोग तकबीर खड़े हो के क्यों सुनते हो यार? जैसे तकबीर होती खड़े हो जाते हो? तो देवबंदी बच्चे ने कहा खड़े ही हो के सुनना चाहिए। तो सुन्नी बच्चे किताब ले आए, सब किताबों में यही लिखा है कि इमाम और मुक्तदी दोनों बैठ कर तकबीर सुने, जब तकबीर कहने वाला हय्या अला सलाह कहे तब उठें। लिखा ला यकूमुल इमामु वल मामूम, न इमाम खड़ा हो न मुक्तदी खड़ा हो, हत्ता यकूल अल मुकब्बिरु हय्या अला सलाह, यहाँ तक कि तकबीर कहने वाला हय्या अला सलाह कहे। सब किताबों में लिखा, वो किताब वो भी पढ़ाते, हम लोग भी पढ़ाते, सुन्नी देवबंदी सब में पढ़ाई जाती। तो सुन्नी बच्चे उठा लाए, जब दिखाए तो वो देवबंदी बच्चा कहता है यार पढ़ा हमने भी, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने पढ़ा ही नहीं इसको। कहा किताब दे दो, किताब लेके गया। और दूसरे दिन जब उसके उस्ताद पढ़ाने के लिए बैठे, वो लड़का बैठा तो उसने पूछा हजरत तकबीर बैठ के सुनना चाहिए कि खड़े हो के? कहा खड़े हो के। कहा हजरत किताब में तो लिखा है बैठ करके। तो डांटा, कहाँ लिखा है बैठ करके? बहुत से बात गलत डांट कर मनवा ली जाती। जब डांटा तो बच्चा देख चुका था, उसने किताब रख दिया सामने, हजरत देखिए लिखा है कि न इमाम खड़ा हो न मुक्तदी खड़े हो। जब किताब दिखाया तब मौलाना नरमाए, कहते बेटा बात यही सही है कि तकबीर बैठ के सुनना चाहिए, लेकिन सुन्नी खड़े सुन्नी बैठे रहते हैं तो उनकी ज़िद में हम लोग खड़े हो जाते, सलाम वो लोग खड़े हो के पढ़ते हैं तो हम उनकी ज़िद में बैठे रहते हैं। बेटा ये ज़िद की बात है, वरना तो तकबीर बैठ के सुनना ही सुन्नत। जब बच्चे ने सुना तो उसने किताब बंद किया, कहा हजरत हमने माँ बाप को छोड़ा है, वतन छोड़ा है, ज़िद की तालीम के लिए नहीं बल्कि इस्लाम की तालीम के लिए हम आए थे, हमें ज़िद की तालीम नहीं चाहिए। तो आज कितने बदनसीब हैं लोग कि नबी की तालीम करने से हटते हैं, और इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि दुनिया की दूसरी चीज़ है जो मुझे ख़ानदान रसूलुल्लाह की तालीम नसीब हो जाए। सहाबा तालीम करते थे रसूलुल्लाह के घर वालों की,
और तीसरे नंबर पर इमाम अहमद बिन हम्बल कहा करते थे, व मुलाजिमत तुरबती रसूलिल्लाह, और तीसरे नंबर पर रसूलुल्लाह के कब्र की नौकरी मुझे मिल जाए, वही जिंदगी गुजार दूं। क्या अहले बैत का दर्जा था कि चारों इमाम में से एक इमाम अहमद बिन हम्बल ये अकीदा जाहिर करते हैं। इसीलिए आला हजरत के भाई मौलाना हसन रजा खां अहले बैत के बारे में कहते हैं कि किस जबां से हो बयान मदहोशान अहले बैत, किस जबां से हो बयान मदहोशान अहले बैत, ओ मदह गोए मुस्तफा है मदह खान अहले बैत, ओ बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। इसलिए लोगों अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत की ताजीम करो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है कि अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी दिया है किस लिए, ताकि वो इम्तिहान ले ले कि हम में तुम में अमल के अतबार से अच्छा कौन। लिहाजा अमलियात की दुनिया में आइए, देखिए हज़रत इमाम हुसैन मुहर्रम की 10 तारीख को लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते 72 ज़ख़म उनके बदन पे पड़ चुके थे, चाहते तो वैसे ही शहीद हो जाते लेकिन ना, लड़ते लड़ते शहीद नहीं हो रहे इमाम हुसैन। आखिरी तीर जब इमाम की पेशानी पे लगी थी, इमाम ने जब वो तीर खींची, खून का फव्वारा निकला, इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आए, सिमर बदनसीब दौड़ा और हुसैन के सीने पे बैठा, मियान से तलवार निकाली और इमाम हुसैन के गले पे रखा और चलाया, गला नहीं कटा। तब इमाम हुसैन ने फरमाया, सिमर काटना है तो इधर से काटो, इधर से तलवार चलेगी इधर से नहीं चलेगी। कहा क्यों? कहा ये वो जगह है जिसे बार बार मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे, इधर से नहीं कटेगी, काटना है तो इधर से काटो सिमर। उसके बाद फरमाया था, सिमर ज़रा बटन खोलो। जब उसने खोला था तो कोढ़ी था, कोढ़ी सफ़ेद दाग थे उसके। इमाम हुसैन ने कहा था, सिमर मेरे नाना रसूलुल्लाह कहा करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो हुसैन को करबला में शहीद करेगा, तुम ही कोढ़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जुमा का दिन है, सारे लोग मस्जिदों में अपने सर को सजदे में रखे होंगे, अब तुम रसूलुल्लाह के नवासे के सीने पे बैठे हो जिन पर तुम नमाजों में दरूद पढ़ते हो, उतर जाओ मेरे सीने से, मुझे भी अल्लाह की बारगाह में सजदा कर लेने दो। सिमर हटा, इमाम हुसैन ने सजदे में सर रखा, खूली आया और उसने तलवार मारी, इमाम हुसैन का सर जिस्म से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन ने सजदे में गला क्यों कटाया? लड़ते लड़ते कटा लेते, सजदे में गला क्यों कटाया? इसीलिए कटाया था कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते लेकिन कम से कम अपने सर को अल्लाह की बारगाह में सजदे में झुका तो सकते हो। लोगों चलते चलते इमाम ने हमें ये अमल का दर्स दिया कि लोगों जब तक सांस बदन में रहे सजदे को न छोड़ना, सजदा से प्यार करो मेरे दीनी भाइयों, नमाजों को न छोड़ो। इमाम पाक ने चलते चलते हमें यही तालीम दी।
امام حسین کے ابا حضرت علی شیر خدا انہوں نے بھی یہ ہمیں سبق دیا کہ امام حسین کے ابا حضرت علی شیر خدا کس حالت میں دنیا سے گئے، ذرا سوچو کربلا والوں کو، مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی یہودیہ، بڑی خوبصورت تھی، گوری چٹی، تو اس پر ایک نوجوان عاشق ہو گیا، اس کا نام تھا عبد الرحمن۔ وہ عورت حضرت علی سے بہت جلتی تھی، یہودیہ تھی، آج بھی یہودی مسلمانوں کے دشمن ہیں جیسا کہ آپ سنا کرتے ہو، اس وقت بھی دشمن تھے، ان کی دشمنی بہت پرانی چلی آ رہی ہے۔ اس یہودی عورت سے عبد الرحمن نے نکاح کے لیے کہا، تو اس عورت نے کہا، عبد الرحمن تو میرا مہر ہی نہیں دے سکتے، نکاح کیسے کرو گے؟ کہا کیوں نہیں دے سکتا؟ یہودیہ نے کہا تین مہر لوں گی۔ کہا کیا؟ فرمایا دس ہزار درہم لوں گی، دوسرے نمبر پر خدمت کے لیے ایک غلام لوں گی جو میری خدمت کرے۔ کہا اور؟ کہا تیسرے نمبر پر علی کا سر جو کاٹ کر مجھے دے گا اس سے میں نکاح کروں گی۔ وہ عبد الرحمن بد نصیب کہتا ہے کہ دس ہزار درہم تو میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، غلام بھی میرے گھر میں ہے، علی کا سر نہیں ہے تو اس کا انتظام کرتا ہوں۔ رمضان کی 19 تاریخ تھی، خوب جانتا تھا کہ مسجد کوفہ میں سب سے پہلے فجر میں نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی انسان کوفہ کی مسجد میں آتا ہے تو سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا آتے ہیں، امیر المومنین تھے پوری دنیا کے۔ آج ایک گاؤں کا پردھان ہو جاتا تو مسجد جانے سے شرم کرتا، مسجد نہیں جا پاتا، اور حضرت علی شیر خدا پوری دنیا کے امیر المومنین تھے لیکن نماز فجر میں سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے، اور جب گھر سے نکلتے تھے تو چپ چاپ نہیں جاتے تھے بلکہ نماز کا اعلان کرتے بھی آتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگو نماز نماز نماز، یہی بولتے ہوئے حضرت علی آتے تھے، سب سے پہلے آتے تھے۔ عبد الرحمن جانتا تھا کہ فجر میں سب سے پہلے علی آتے ہیں، ان کو قتل کرنا میرے لیے آسان ہوگا۔ یہ سوچ کر 19 رمضان کو تلوار تیز کر کے عبد الرحمن اس دنیاوی عورت کے چکر میں پڑ کے کوفہ کی مسجد میں گیا اور دروازہ کے بغل میں چپ کے کھڑا ہو گیا کہ سب سے پہلے فجر میں علی آئیں گے، تلوار سے قتل کر دوں گا، اور سر لے کے جاؤں گا، اس عورت کے دودھ دوں گا، اس سے میرا نکاح ہو جائے گا۔ اس لالچ میں آگے کھڑا ہو گیا۔ 19 رمضان ہے، حضرت علی سحری کھا کے روزے کی نیت کر کے سب سے پہلے کوفہ کی مسجد میں تشریف لائے، الصلاۃ الصلاۃ کہتے بھی آ رہے تھے، عبد الرحمن سن رہا تھا، بالکل تیاری کر رہا تھا۔ جیسے حضرت علی شیر خدا نے کوفہ کی مسجد کے دروازے پہ قدم رکھا، ویسے ہی عبد الرحمن نے ایسی تلوار ماری کہ حضرت علی شیر خدا کی کن پٹی کٹی، سر بھی زخمی ہوا اور حضرت علی زمین پہ گر گئے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں میری شہادت ہو رہی ہے اور روزے کی حالت میں، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں، تو حضرت علی خوش ہو کے کہے تھے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا کی بھی شہادت ہوئی تو مسجد میں، اور آج ہم مسلمان ہو کر کے یا علی یا علی کہتے ہیں مسجد سے دور، یا حسین کہتے ہیں سجدے سے دور۔ اے لوگو، یہ دعویٰ آپ کا جھوٹا ہوگا، جب تک ہم مسجد سے پیار نہیں کریں گے، ہم سجدوں سے دل نہیں لگائیں گے، اس وقت تک ہم حسینی نہیں ہو سکتے، نہ علی کے ماننے والے ہو سکتے، نہ خدا کے محبوب بندے ہو سکتے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مسجدوں سے لو لگاؤ۔ آج لوگ مسجد
में जाते नहीं हो, जाते हैं तो जइए तो घड़ी पे यह निगाह डरिए कि इमाम साहब यक्को मिनट आगे बढ़ ना जाए, जहाँ दो मिनट आगे बढ़िए कि हजरत घड़ी देखो घड़ी, मस्जिद में इतनी बेसब्री। और आप हजरत अली के चाहने वाले हैं, हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला उन्होंने एक दिन सहाबे कराम के महफिल में फरमाया, ऐ लोगों गवाह हो जाओ। लोगों ने कहा किस चीज़ के? हजरत अली कहते इस चीज़ के सब गवाह हो जाओ कि क़यामत के दिन अगर अल्लाह मुझे इख्तियार दे देगा कि अली चाहो तो जन्नत में जाओ और चाहो तो मस्जिद में जाओ, तो तुम सब गवाह हो जाओ उस दिन मैं जन्नत को छोड़ दूँगा और मस्जिद में चला जाऊँगा। हजरत अली ने कहा, साहबे ने कहा ऐसा क्यों? अरे मस्जिद में नमाज इसीलिए पढ़ी जाती कि अल्लाह जन्नत दे दे, और क़यामत के दिन भी आपको इख्तियार होगा तो अल्लाह के शेर आप उस दिन भी मस्जिद को जन्नत को छोड़ देंगे, मस्जिद अपनाएंगे, ऐसा क्यों? तो हजरत अली शेर खुदा ने कहा था, सुनो, जन्नत में अल्लाह ताला ने हौज़े कौसर को पैदा किया, तरह तरह के फल अल्लाह ने पैदा किए, तो जन्नत में वो चीज़ें हैं जिनको खाने से जिस्म को ताकत मिलेगी, और मस्जिद में इंसान अल्लाह का जिक्र करता है और जिक्र इलाही से इंसान का इंसान की रूह को ताकत मिलती है, ग़िज़ाओं के खाने से बदन को ताकत मिलती है और जिक्र इलाही से रूह को ताकत मिलती है, तो मस्जिद में रूहानी ग़िज़ा है और जन्नत में जिस्मानी ग़िज़ा है, और रूहानी ग़िज़ा के बग़ैर जिस्म बेकार है, इसलिए मैं मस्जिद ही को अपनाऊँगा। ऐ अली के मानने वालों, ज़रा सोचो अली का बयान कि दुनिया में शेर खुदा ने मस्जिद से मोहब्बत की और गए आखिरी वक्त तो मस्जिद में शहादत पाई, और मरने के बाद भी शेर खुदा कहते हैं क़यामत के दिन भी खुदा अगर मुझे इख्तियार देगा तो मैं मस्जिद ही में जाऊंगा, जन्नत में नहीं जाऊंगा। ऐ लोगों, मस्जिदों से प्यार करो, अपने महल्ले के मस्जिदों को आबाद करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि जुमा के दिन चले जाइए दरगाह शरीफ बहराइच, जुमा पढ़वे तो हमका ज़्यादा सवाब मिले, देवा चले जाइए ज़्यादा सवाब मिले। याद रखो, जो सवाब आपको अपने महल्ले के मस्जिद में मिलेगा वही सवाब आपको बहराइच दरगाह की मस्जिद में मिलेगा, सवाब नहीं बढ़ सकता। दुनिया की दो मस्जिदें हैं, तीन, जहाँ सवाब बढ़ता है, कौन कौन? एक मदीना की मस्जिद मस्जिद नबवी, एक फिलिस्तीन की मस्जिद बैतुल मुकद्दस। इन दोनों में अगर कोई एक रकात नमाज पढ़े तो 50,000 रकात का सवाब मिलता है, और मक्का शरीफ में जो मस्जिद है मस्जिद हराम खाने काबा में, उसमें नेकी ज़्यादा मिलती है, वहाँ अगर कोई एक रकात पढ़े तो 1,00,000 रकात का सवाब मिलेगा। इन तीन मस्जिदों को छोड़कर दुनिया में कहीं चले जाओ, नमाज का सवाब जो आपको अपने मस्जिद में मिलेगा वही सवाब वहाँ भी मिलेगा। हाँ, अगर आप दरगाह शरीफ बहराइच जाते हैं इस नियत से कि हम सरकार गाजी के आस्थाने पे हाजिरी देंगे और वहाँ नमाज जुमा पढ़ेंगे, तो नमाज जुमा का सवाब तो उतना ही मिलेगा जो आपके गांव में मिलेगा, लेकिन गाजी सरकार के आस्थाने पे जो आप हाजिरी दोगे वो सवाब आपको अलग से मिलेगा। अल्लाह की रज़ा